जो शेड है ये लिडली 15। तो अगेन आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा शेड है, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा है। ये काइंड ऑफ एन एवरी डे है, आपको हैवी नहीं इफेक्ट देगा। अगर आपको सिर्फ हल्का सा ग्रीन अप्लाई करना है, आपको स्मोक आउट करना है ब्लैक या ब्राउन से, और आपका स्मोकी आइज रेडी है इंस्टेंटली, तो मुझे ये बहुत बहुत अच्छा लगा। आई विल गिव 4 out of 5 और मैं इसकी जो दूसरे शेड है वो जरूर परचेज करना चाहूंगी, क्योंकि एकदम इंस्टेंटली इफेक्ट जो आई शेडो को देता है, आपको जो पाउडर फॉल आउट है और वो सब के बारे में वारी करने की जरूरत नहीं है। इंस्टेंटली अप्लाई किया, अपनी फिंगर से ब्लेंड किया एंड यू रेडी टू गो। तो अगर आप आई शेडो इन जिफी अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से निक्स की ये जो लिड लिंजरी है मैट, वो बहुत ही अच्छी है। प्राइसेस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी, क्योंकि जो सारे आउटर कवर्स है वो रिमूव हो चुके हैं तो मैं प्राइसेस नहीं देख पा रही हूँ। फिर आते हैं निक्स की मैट लिक्विड लाइनर पे। अगेन मुझे लाइनर बहुत अच्छा लगा, निक्स के प्रोडक्ट्स ऑल इन ऑल बहुत अच्छे हैं। ये जो मैट लाइनर है ये मुझे ज़्यादा अच्छा इससे लगा, क्योंकि जो मेजॉरिटी आई लुक करते हैं तो जो लाइनर है वो पॉप आउट होता है, वो इसे मैटिश नहीं लगता, लेकिन ये जो लाइनर है आप देख सकते हैं एकदम मैट है, वो इस तरीके से पॉप आउट नहीं हो रहा। आप हल्के से अगर आपको स्मोकी इफेक्ट चाहिए तो आप इसी मैट लाइनर के ऊपर हल्का सा ब्लैक आई शैडो से स्मच कर दीजिए और आपका आई लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अगेन ये मैट लाइनर है, मुझे बहुत अच्छा लगा स्पेशली आई शैडोज पर। अगर मुझे नॉर्मली सिर्फ आई लाइनर लगाना तो मे बी मैं ग्लॉसी प्रेफर कर सकती हूँ, बट फॉर माई आई शैडोज आई प्रेफर दिस वन विच इज द नेक्स मैट लिप लिक्विड लाइनर। करते हैं बाकी के प्रोडक्ट्स के बारे में, बात करते हैं निक्स की। ये जंबो पेंसिल है, अगेन ये पेंसिल वाटर प्रूफ काइंड ऑफ ए पेंसिल मुझे लगी, काफ़ी स्मजिंग लगी है जब मैंने वाटर लाइन पे अप्लाई किया है, तो मुझे काफ़ी स्मजी लगी है। आप मे बी इसे एज एन स्मोकी आई के लिए यूज़ करते हो, जब अपने लिड पर आप इसे अप्लाई करके स्मच करते हो तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, पर ये वाटर लाइन के लिए नहीं है। ये सिर्फ अगर आप लिड पर अप्लाई करो तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, बट एज एन अ काजल इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन और नॉट टू अप्लाई ऑन योर वाटर लाइन। और ये स्मज प्रूफ नहीं है, ये ट्रांसफर ये ब्लेंडेबल इतना ईजिली नहीं है, तो आप इसे आई शेडो से जरूर सेट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट के मैट फिनिश सेटिंग स्प्रे के बारे में। अगेन ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, इसका प्राइस है अराउंड 875 रुपीज़। इसमें आपको मिलता है अराउंड 60 ml। अगेन बहुत ही मैटिफाइंग और सेटिंग स्प्रे है, मेरा मेकअप कम्प्लीटली सेट कर दिया है, थोड़ा सटल कर दिया है, तो मुझे ये सेटिंग स्प्रे बहुत अच्छा लगा फॉर ऑयली स्किन। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप मैटिफाइंग ले, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ड्यूई काइंड ऑफ अ सेटिंग स्प्रे ले, तो मुझे ये सेटिंग स्प्रे अच्छा लगा है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रोडक्ट की तरफ, जो है आईब्रो पेंसिल। मुझे बहुत ही रेयर ब्रांड्स में आईब्रो पेंसिल पसंद आती है, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पाउडर बेस्ड जो आईब्रोज है पैलेट्स है मैं वो प्रेफर करती हूँ, पर मुझे ये पेंसिल बहुत अच्छी लगी। अगेन जो स्पूली है वो बहुत ही अच्छा था, एक ब्रश जो स्पूली नहीं इट्स एक्चुअली ए ब्रश, तो ये ब्रश मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। और जो पेंसिल है वो काफ़ी पिगमेंटेड है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। आते हैं लिप प्रोडक्ट पे, मेरे पास ये 3 लिप शेड्स हैं। आपने वीडियो में देखा मैंने अप्लाई किया था कोपेनहेगन का जो लिप शेड है और लिप पेंसिल है, बहुत ही ट्रेंडिंग था, पर मुझे ये लिप शेड है जो मुझे अपनी स्किन टोन पर नहीं अच्छा लगा। ये बहुत ही डीप रेड काइंड ऑफ है। और फिर सेकेंड है ये वाला है मोंटे कार्लो, अगेन ये बहुत ही ट्रेंडिंग लिप शेड्स थे निक्स के जो सॉफ्ट मैट लिप स्टिक्स में से। तो अगेन ये भी एक रेड शेड है, बट लिटिल ऑन द ब्राइटर साइड ऑफ द रेड है। तो अगेन ये मेरी जो स्किन टोन के बहुत ही मुझे डार्क लग रहे थे। और फिर मैंने लिया है एक पाउडर पफ लिपी, अगेन पाउडर पफ लिपीज बहुत फेमस है निक्स के, देख सकते हैं बहुत ही पाउडरी इफेक्ट देता है, बहुत ही नेचुरल है। और यही वो शेड है जो मैंने अप्लाई किया है, तो ये बहुत ही ग्लॉसी काइंड ऑफ लगता है, लेकिन ये ट्रांसफर प्रूफ है और ये इजीली वॉश आउट हो सकता है एज कम्पेयर टू द सॉफ्ट मैट लिपस्टिक्स। और ये है लिप लाइनर जो अगेन है कोपेनहेगन शेड, एज यू कैन सी दोनों भी बिल्कुल सेम शेड है, तो इसीलिए मैंने लिया था इसका एक लिप लाइनर। पर मुझे ये शेड इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, मे बी जो जिनकी ज़्यादा डार्क टोन स्किन है उन पर ये शेड ज़्यादा अच्छा लगेगा एज कम्पेयर टू अ मीडियम स्किन टोन। तो ये थे मेरे निक्स की मेकअप रिव्यूज़। आप सारे जो प्रोडक्ट्स हैं आपको नायका से या अमेजोन से कहीं से भी आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं या ब्यूटी स्टोर से। तो निक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं ऑल इन ऑल क्वाइट नाइस हैं, मैं से सारे प्रोडक्ट्स जो निक्स के जो मैंने यूज़ किए हैं उसमें 3 out of 5 दे सकती हूँ, यानी कि इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं एज इन अगर आप डेली यूज़ करना चाहते हैं या अगर आप पार्टी में यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। दैट्स इट गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।